कपड़े उतार बाद इन्हें एक मोबाइल शूटिंग कर रहे थे, वो वीडियो शूटिंग, तो एक टीवी के बाजू वो नहीं क्या उधर रखे थे मोबाइल उसने, और डॉक्टर के साथ बोले, डॉक्टर साहब करो बोले अभी उसका खतना, और फिर जबरदस्ती ने क्या किया आसिफ शेख ने बोले बोले हाथ पकड़ने को लगाए और कोमल कुरैशी पैर पकड़े, और वो क्या उर्दू भाषा में क्या मंत्रण पढ़ रहे थे वो मुझे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो ऐसे धारदार शास्त्र ऐसे नहीं क्या वो मेरे लिंग के आगे के कातड़े निकाल के फेंके मेरे को हॉस्पिटल में इधर से श्रीरामपुर में, फिर मेरे को बेहोश करा उन्होंने, वो क्या ऑपरेशन बोलते खातना मेरे को। हाँ। हिंदू लड़की को मुसलमान ने किया ना, यहाँ समाज की तरफ से 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के दौंड में हर साल तकरीबन 200 से ज्यादा लड़कियां मुसलमान बना दी जाती है, और ये सब काम करने के लिए वहां के मुस्लिम लड़कों को तकरीबन 5 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है। ये सब काम करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ राजनेताओं और सांसद के साथ साथ पुलिस तक मिली हुई है। केवल हिंदू औरतें ही नहीं बल्कि हिंदू आदमी भी इस इलाके में इस्लामी धर्मांतरण का शिकार बन गए हैं। हिंदू लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है और फिर उनसे धर्मांतरण के लिए बोला जाता है। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को खतना के लिए मजबूर किया गया है और कुछ का जबरन खतना कर दिया गया है। जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया है उनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, वे लड़कियां जो कि 17 से 18 साल की होती है और वो भी कॉलेज में पढ़ती होती है। जब ये लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ये लोग पहले निकाह की बातें करते हैं, उसके बाद बच्चा होता है तो तलाक देकर छोड़ देते हैं और फिर खुद को दूसरी शादी के लिए तैयार करते हैं। यहाँ के हिंदुओं ने कहा कि उन्हें इन मामलों में बोलने से डर लगता है कि कुछ भी प्रतिक्रिया देने पर लड़कियों को मारा पीटा और धमकाया जाता है। ये लोग युवा लड़कियों को सरेआम सड़क पर छेड़ते हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता और न ही इनके विरुद्ध शिकायत होती है। हर राजनेता इनको सपोर्ट करता है इसलिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, लोग इन मामलों में बात करने से भी घबराते हैं। धर्मांतरण की ये सारी गतिविधियों के पीछे फारूक कुरैशी, कमल कुरैशी, आसिफ कुरैशी, फरहान कुरैशी का हाथ है। कोई भी इनका नाम लेने से डरता है। इनमें से कुमेल कुरैशी उर्फ हाजीब साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। दौंड में चल रहे धर्म परिवर्तन और पुरुषों का खतना कराने के खेल में उसका सीधा नाम है। एक हिंदू ने बताया कि कैसे उसका जबरन खतना सिर्फ इसलिए कराया गया क्योंकि उसकी बीवी मुस्लिम है। हिंदू व्यक्ति के मुताबिक उन्होंने मुझे नीचे गिराया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। एक आसिफ शेख ने मेरी बाह पकड़ी और कमल कुरैशी ने मेरी टांगे पकड़ी। इसके बाद डॉक्टर से कहा गया कि वो खतना कर दे, बाद में वो मुझे खून से लथपथ छोड़ गए। ऐसे ही एक लड़की ने बताया कि पहले उसे प्रेम के जाल में फंसाया गया और उसके बाद वह कोर्ट शादी के लिए पहुंची तो उसे दस्तावेज से पता चला कि लड़के का असली नाम क्या है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी जब टाइम्स नाउ के पत्रकार वहां पे गए थे तब वहां के हिंदुओं ने खुद उन्हें बताई थी। जिस वीडियो का लिंक हमने पिन कमेंट में दिया है जिसे आप अवश्य देखें। वीर छत्रपति शिवाजी की भूमि जहां पर बाला साहेब ठाकरे जैसे लोग हो गए वहां पर आज हिंदुओं की इस तरह की हालत हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। देश में हो रही इस तरह की वारदातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम।